भगवान परशुराम शिक्षा समिति परिसर स्थल पर समिति के प्रधान सत्य प्रकाश गौतम की अध्यक्षता में भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। बूढ़पुर गांव के भूमिदान दाता सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रवि दत्त शर्मा व पूर्व सरपंच विजय वीर सिंह, जिसमें जयपुर से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल जुगल किशोर जी के परिवार द्वारा अधिकृत डॉक्टर प्रदीप शर्मा फाउंडर प्रेसिडेंट एवं पूर्व प्रधान एवं उनकी धर्मपत्नी प्रिंसिपल शोभा भारद्वाज व प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कौशिक आजीवन सदस्य, उनकी पत्नी चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कुसुम शर्मा और संस्था के महासचिव अजय गौड़ एवं उनकी धर्मपत्नी ने भूमि पूजन के द्वारा आचार्य दिलीप शास्त्री एवं महेंद्र तिवारी ने भूमि पूजन को सम्पन्न करवाया। पूजन के दौरान समाज एवं शिक्षा समिति के आजीवन सदस्य उपस्थित रहे। भूमि पूजन के उपरांत संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट एवं पूर्व प्रधान डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने मंच संचालन किया और उन्होंने सबसे पहले भूमि दानदाताओं को साफा एवं फटका पहनाकर सम्मानित किया। उसके उपरांत संस्था को 1 लाख के चेक देने वालों को फटका पहनाकर भूमि दानदाताओं एवं संस्था के पदाधिकारियों व आजीवन सदस्यों ने सम्मानित किया। 22 दानदाताओं ने संस्था को 22 लाख राशि दी। इसके अतिरिक्त शहर के एक बड़े उद्योगपति एमपी गोयल द्वारा संस्था को 5 लाख रुपए दान स्वरूप राशि देने की घोषणा की। उसके उपरांत बूढ़पुर के सरपंच विजय वीर ने भी 1 लाख रुपए का चेक संस्था को दान देकर पुण्य के भागीदार बने। इसके बाद नागल के पूर्व सरपंच विजय शर्मा ने 21,000 ईट संस्था को दान देने घोषणा की। यह सब होने के उपरांत दानदाताओं की झड़ी सी लग गई और संस्था के पास देखते देखते 30 लाख रुपए की राशि एकत्रित हो गई। 1 लाख का चेक देने वालों में मुकेश शर्मा, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, श्री सत्य प्रकाश गौतम, अरुण शर्मा, वासुदेव शर्मा, त्रिलोक शर्मा डायरेक्टर अम्नग्नि, रामानंद मुदगिल एडवोकेट, रामकिशन मुदगिल, बलबीर शर्मा, सतीश वशिष्ठ एडवोकेट, सुभाष चंद्र शर्मा, रितेश मिश्रा एडवोकेट, अशोक शर्मा एडवोकेट, दिनेश कुमार कौशिक, कैलाश शर्मा कमालपुर, प्रोफेसर एस के त्यागी, विजयपाल रोलियावास एडवोकेट, प्रवीण शर्मा, मदनलाल शर्मा सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, आरपी शर्मा, शशि भूषण कानोटगेट और विष्णु शर्मा ने संस्था को चेक भेंट किए। संस्था ने सभी दान देने वाले महानुभावों का फटका पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और उनका आभार प्रकट किया। वहां पर उपस्थित समिति के प्रथम कार्यकारिणी से लेकर वर्तमान कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी परिसर स्थल पर भूमि पूजन के साक्षी बने। संस्था के पूर्व प्रधान बलबीर शर्मा, संस्था के वरिष्ठ उप प्रधान निरंजन शर्मा, वर्तमान कार्यकारिणी के उप प्रधान रामानंद मुदगिल, महासचिव अजय गौड़, सेल सचिव मदनलाल, कोषाध्यक्ष जगदीश राय वशिष्ठ, कार्यकारिणी सदस्य रेवाड़ी वासुदेव वशिष्ठ, जितेंद्र शर्मा बावल से डॉक्टर भागीरथ, धारूहीड़ा से देवेंद्र शर्मा, कोसली से धर्मवीर शर्मा, मनोनीत सदस्य बहन शशिकांत। इस शुभ अवसर पर समाज के अन्य संस्थाएं सेवा भारती हरियाणा प्रदेश रेवाड़ी नगर अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण, विभाग अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, सुमित शर्मा बजरंग दल, धीरज गौतम, कुलदीप यादव बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कपिल कौशिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उपस्थित रहने वालों में संस्था संरक्षक सदस्य धर्मपाल शर्मा एवं उनकी पत्नी लक्ष्मी शर्मा, संस्था की आर्किटेक्ट दीक्षा शर्मा एवं उनके पति कनाव शर्मा, पातूहीड़ा के सरपंच रवि शर्मा, पूर्व प्रधान दलीप शर्मा, पूर्व सचिव मोहन तिवारी, सह सचिव उपेंद्र शर्मा, लीगल एडवाइजर रामकिशन मुदगिल एडवोकेट, पूर्व कोषाध्यक्ष शिव कुमार हरित, संस्था के संरक्षक सदस्य पंडित छज्जू राम, कृष्ण मोहन कौशिक, सत्यम शिवम सुंदरम, इसके त्यागी आरपी शर्मा, कोसली से चेयरमैन ओम प्रकाश भारद्वाज, रण सिंह वशिष्ठ, धारूहीड़ा से ब्राह्मण सभा के प्रधान सुभाष शर्मा, जिला रेवाड़ी ब्राह्मण सभा के कोषाध्यक्ष खुशहाल शर्मा, उपाध्यक्ष बार एडवोकेट शौकीन शर्मा, दयानंद शर्मा खोरी एडवोकेट, राजेश वशिष्ठ, अजीत मिश्रा, अनूप शर्मा, नवबहार गौतम, उपेंद्र शर्मा, राधेश्याम शर्मा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा भूमि पूजन के साक्षी बने। संस्था के प्रधान सत्य प्रकाश गौतम ने बताया, संस्था का लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, संस्कार, संस्कृत विद्यापीठ एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण करना है। संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट एवं पूर्व प्रधान डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा, आने वाले समय में समाज की युवा पीढ़ी एकजुट होकर मजबूत एवं शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण के लिए युवाओं को अच्छे संस्कार प्रदान करती रहेगी। कोर कमेटी के प्रोफेसर एस के त्यागी, सर आज भगवान परशुराम शिक्षा समिति का भूमि पूजन हुआ है, क्या है पूरा कार्यक्रम? सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं
जो आज के भूमि पूजन का कार्यक्रम था परिसर स्थल के ऊपर, पूरा समाज और अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए और उन लोगों ने काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये हमारी जो नींव रखी गई है समाज के लिए, सेवा, शिक्षा, संस्कार, योगा और खेल एकेडमी बनाने तक का हमारा लक्ष्य रखा है और भगवान ने चाहा तो अति शीघ्र ही ये हमारा पूरा हो जाएगा। और मैं जिन लोगों ने आज के दिन इस ऐतिहासिक पल पर जो दान दिया है उन दानवीरों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार दानी लोग संस्था को अपना योगदान देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये संस्था अपने लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर लेगी। इसके अलावा ये जो आज शुभ दिन आया है ये भूमि दानदाताओं के कारण आया है। सबसे पहले माता हर की देवी ने जमीन की घोषणा की थी, उसके उपरांत जयपुर से जुगल किशोर जी, उनका परिवार, बीकानेर से प्रेम वशिष्ठ जी, राजगढ़ से उनका परिवार, सतीश शर्मा जी के परिवार के लोगों ने पूरी जमीन संस्था को दान में दे दी। उसके लिए मैं उन भूमि दानदाताओं को तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज ये दिन केवल भूमि दानदाताओं का ही दिन था जिन्होंने भूमि पूजन करवा के बूढ़पुर के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रविदत्त शर्मा जी एवं वहाँ के सरपंच जिन्होंने हमें पूर्ण सहयोग दिया, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ।